संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा 2018 के नतीजों की घोषणा कर दी है। इस परीक्षा में कनिष्क कटारिया ने टॉप किया है। इस परीक्षा में सफल परीक्षार्थी IAS, IPS और कई केंद्रीय सेवाओं के लिए चुने जाते हैं। IIT बॉम्बे से ग्रेजुएट कनिष्क राजस्थान के जयपुर के रहने वाले हैं। उन्होंने पहले प्रयास में ये सफलता प्राप्त की है। UPSC की मुख्य परीक्षा में इस बार 10,468 परीक्षार्थी शामिल हुए थे, जिसमें से 759 ने अंतिम सफलता हासिल की। सफल परीक्षार्थियों में 182 लड़कियां हैं। टॉप 25 में से 15 लड़के और 10 लड़कियां शामिल हैं। कनिष्क ने कहा कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वो परीक्षा में टॉप करेंगे। उन्होंने कहा, पेपर और इंटरव्यू अच्छे हुए थे और ये उनका पहला प्रयास था, लेकिन टॉप करूंगा ये उम्मीद उनको नहीं थी। सिविल सेवा परीक्षा में कनिष्क का ऑप्शनल पेपर मैथ्स था। क्या परीक्षा की तैयारी के लिए कोई कोचिंग ली थी? इस सवाल के जवाब में कनिष्क कहते हैं कि उन्होंने 7-8 महीनों के लिए दिल्ली में कोचिंग की थी। तैयारी से पहले उन्होंने 3.5 साल तक नौकरी की और उन्हें परीक्षा का कोई आइडिया नहीं था, इसलिए कोचिंग करना पड़ा। कोचिंग की मदद से उन्होंने बेसिक नॉलेज हासिल की और उसके बाद पिछले साल मार्च से लेकर परीक्षा तक घर पर सेल्फ स्टडी की। कनिष्क ने इस सफलता के लिए मेंस परीक्षा के पहले 8 से 10 घंटे और परीक्षा के नजदीक आने पर 15 घंटे तक की पढ़ाई की थी। कनिष्क सिविल सेवा ही करेंगे, इसको लेकर वो बहुत स्पष्ट नहीं थे। वो कहते हैं कि उनके पिता सिविल सेवा में ही हैं। उनका मन था कि वो भी सिविल सेवा में ही आए, लेकिन वो बहुत श्योर नहीं थे कि वो ऐसा करेंगे ही। उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले अपनी जिंदगी जीने की कोशिश की। IIT बॉम्बे से ग्रेजुएट होने के बाद 3 साल तक नौकरी की और इस दौरान उन्होंने उनकी सोच बदलनी शुरू की। शांत स्वभाव और आम युवाओं की तरह शौक रखने वाले कनिष्क ने IIT से पढ़ाई के बाद दक्षिण कोरिया में 1.5 साल तक काम किया। वहाँ की जिंदगी ने उन्हें देश की व्यवस्था बदलने की प्रेरणा दी। वो कहते हैं कि उन्होंने दक्षिण कोरिया में 1.5 साल तक काम किया था। उसके बाद 1 साल बेंगलुरु में वो थे। जब वो विदेश में थे, तब भारत की जिंदगी को वहाँ की जिंदगी से तौलने की कोशिश कर रहे थे और तब उन्हें लगा कि भारत में सिस्टम को बदलने के लिए वहाँ से सिस्टम में घुसना जरूरी है। पिताजी की वजह से उन्हें थोड़ी जानकारी थी कि प्रशासनिक काम कैसे होता है। कनिष्क को क्रिकेट और फुटबॉल देखना काफी पसंद है। सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली उनके फेवरेट क्रिकेटर हैं। क्रिकेट का शौक रखने वाले कनिष्क ने ये स्वीकारा है कि फिल्में देखना भी उन्हें बहुत पसंद नहीं है। कनिष्क अनुसूचित जाति वर्ग से आते हैं। उनके पिता भी IAS हैं। राजस्थान सरकार में वे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हैं।